हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गैस यार, आज हम लोग वापस से एक बार ही खेले हैं रोफ्रॉक निंजा रो गेम। और ये आते भाई, नहीं तेरे को बंद गोलीबारी करनी है ना, ये ले तेरे को अभी बताता हूँ मैं। गैस ये ले, चलो बेटा निकलो। नहीं पुलिस वाले ये तो देखते नहीं है गैस कि कौन पहले छेड़ रहा है, ठीक है, और पीछे पहले पड़ जाते। तो ओके गैस यार, आज हम लोग यहाँ पे भाई करने वाले, देखो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने भाई सिंपली हम लोगों ने पकड़ लिया था भाई उसको, कह रहे उसको कि उसने भाई हमारी जॉब डिस्ट्रॉय करी है। मतलब जॉब नहीं, उसने हमारी पुलिस कार डिस्ट्रॉय करी, जिसकी वजह से हम लोग अपनी जॉब से सस्पेंड हो गए, जो कि गाइस बहुत ही बुरी बात है। एंड ये सब कुछ कैरोस ने मुझे नहीं पता किस लिए करा, बट वो हम लोग को बर्बाद करना चाहता है कैरोस। तो इसीलिए भाई उसने भाई हमारे सारे, मतलब पिछली सिटी में तो उसने हमें हमारे साथ धोखाधड़ी करी थी और इस वीडियो में भी कर दी। इसको अलग नशे हैं, तो गाइस इसको भी देख लेंगे हम लोग बाद में। बट उससे पहले मैं बता दूं गाइस, अभी आज की वीडियो में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में उसको पकड़ तो लिया था, मतलब पकड़ा नहीं था, देख लिया था कि हाँ भाई उसने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है। एंड उसके बाद गाइस हुआ ऐसा कुछ कि मैंने सोचा एक प्लान बनाया कि अभी उसको हम लोग को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि हम लोग को हमें जॉब भी मिल जाए और वो अपना पुलिस के आगे अपना सच भी बोल दे कि हाँ भाई मैंने कार डिस्ट्रॉय करी है और वो पकड़ा भी जाए, ठीक है। गाइज यार आज हम लोग ऐसा कुछ एक प्लान बनाने वाले हैं, ठीक है। तो प्लान यार हम लोग को जल्दी से चल के हस्कीदाद से पूछना पड़ेगा। पहले ज़रा 3 स्टार हटा लेता हूँ छुप के कहीं पे, उसके बाद चलते हैं हस्की दादा। फाइनली हमारे ऊपर से पुलिस तो हट गई है, बट यार अभी हम लोग को जाना पड़ेगा हस्की दादा के पास। क्या हम लोग यहाँ तक, ओ भाई पहुँच गए यार, मैं बोलने वाला था कि हम लोग पहुँच पाएंगे। तो गाइज फटाफट से चलते हैं हस्की दादा के पास। नहीं भाई, ओहो भाई ये क्या भाई, मैंने तो उसको स्पेयर मार दिया यार। तो अभी फटाफट से बात करते भाई हस्की दादा से, एंड उसके बाद पूछ लेता भाई हमारा प्लान क्या है। ओके गाइस, मैंने हस्की दादा से तो बात कर लिया, वो यही बोल रहे हैं। हस्की दादा ने हम लोग को प्लान बताया कि सबसे पहले तो तुम अपने पैसे लो एंड कुछ गन्स खरीदो जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हों, ठीक है। एंड मतलब ऐसी हों कि भाई कैरोस को तुम्हारा आगे झुकना ही पड़ जाए एट लास्ट, ठीक है। तो ऐसा गाइस हस्की दादा ने प्लान बता दिया हम लोग को कि हम लोग को क्या करना है, अभी उसको ढूंढने जाना है, ठीक है। और उसको ढूंढेंगे नहीं, हस्की दादा उसको कॉल करेंगे एंड हम लोग को कह रहे हो उसकी लोकेशन हस्की दादा ही वहीं से दे देंगे। एंड उसके बाद बस हम लोग को जाके वहाँ पे उस पर ये दिख रही ये वाली एक उसके पाँव में पट से मार देनी है, ठीक है गाइस। ऐसे करके हम लोग को उसके मार देनी है एंड उसके बाद उसको पकड़ लेना है। आर्मर भी हम लोग को खरीदना पड़ेगा। इसमें आर्मर इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज हमारे पास कम है यार आर्मर। ओके थोड़ा सा ग्रेनेड ले लेते बिकॉज हम लोग को ग्रेनेड भी चाहिए, फ्लेम थ्रोअर नहीं चाहिए, आरपीजी के एमओ चाहिए, मशीन गन के लिए पैसा ही नहीं है, शॉर्ट गन के एमओ ले लेते थोड़ी सी। अरे AK-47 मैंने खरीद ली क्या? ओके कारबीन भी मैंने खरीद लिया गाइज। ओके गाइज यार यहाँ पे तो हम लोगों ने अच्छी खास शॉपिंग कर ली है। और एक एंड गाइज यार फिर से मेरे को स्टार हटाने पड़ेंगे, तो मैं फटाफट से स्टार हटा लेता हूँ। जितने पैसे भाई अपने बैंक में डिपॉजिट करके भाई सीधा चलते हैं भाई हस्की दादा के पास एंड सीधा करके भाई अपने स्टार हटवा के अपना कैरोस को कॉल लगाएंगे एंड उसकी लोकेशन पता करके उसको लपेट लेंगे। तो चले गाइज यहाँ से मैं करता हूँ वीडियो को स्किप। तो ओके गाइज यार यहाँ पे हमारे स्टार्स जो हैं हट गए एंड चले गए हस्की दादा से बात करते हैं। एंड उसके बाद यार मैं चलने वाला हूँ गाइज सीधा बाहर एंड उसको भाई लपेट लेंगे, ठीक है। तो हस्की दादा जल्दी से उस पर कॉल मिला दो, तो शायद अब तक कॉल मिला ली होगी। तो फटाफट से लोकेशन लेते हैं। हस्की दादा किस तरफ है वो बताओ जल्दी। अरे यार मैं तो भूल गया, हंस के साथ तो कॉल पे अगर कुछ बोलेंगे तो यार ऐसे पता नहीं चलेगा। रुको मेरे को नोटिफिकेशन आया शायद मोबाइल में, तो फटाफट से देखता हूँ यार मैं। ओके चलिए मैप खुल गया डायरेक्टली खुद ही खुद। और ये बता रहा है कि भाई इधर की तरफ, जहाँ पे भाई ये लोकेट क्यों नहीं कर पा रहा है, इधर उधर जा रहा भाई, ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा भाई इसलिए। क्यों भाई क्यों? अरे रुको तो चचा एक जगह रुक जाओ। ओके भाई ये अभी भी हिल रहा है। ओके रुक गया गाइस एंड ये होने लगा जूम ऑटोमेटिक एंड थोड़ा इधर जाता हुआ। ओके ओके यानी कि यहाँ पे जो है गाइस जहाँ पे अपन लोगों के घर है ना इधर के आसपास में ही है कहीं पे कैरोस। ओके तो गाइस फटाफट से चलते हैं यार, मेरे पास अभी टाइम बिल्कुल बहुत ही कम है क्योंकि अभी मेरे को पता है गाइस क्या सस्ते नशे कर रही हो आंटी। और अभी उसको देखते गाइस। ओके पत्थरों के पीछे होगा कन्फर्म, मैं बता रहा हूँ यहीं पर बैठा होगा कहीं पर। यहाँ पर भी नहीं है क्या? ओके एक सेकेंड गाइस, ओए मैं फंस जाऊँगा यार, फंस जाऊँगा मैं। ओके गाइस इधर देखते, अबे ओए ओ भाई ये क्या है? ओ भाई गाइस यार ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ? ओ भाई ग्रेनेड मेरे ऊपर ही गिर रहे हैं यार। ओके गाइस यार यहाँ से तो हम लोग निकल गए हैं शायद, यहाँ पे वो एक साइड देखते हैं धप्पा। अरे नहीं है यार मैं धप्पा धप्पा क्यों कर रहा हूँ भाई, वो मेरे को धप्पा कर देगा गोली मार के। ओके यहाँ पर भी नहीं है। ओके गाइस तो चलिए फटाफट से यहाँ से देखते हैं भाई कहीं पे ना कहीं तो हो गई। अब जरा पैदल चलेंगे थोड़ा है ना, भाग के चलेंगे तो उसको पता भी चल सकता है। एंड मेरा आर्मर की ड्यूरेबिलिटी देखो गाइस, नया आर्मर खरीदा और क्या मिला मेरे को, ये क्या है भाई, हम लोग को तो कुछ नहीं पता चल रहा है। ओके गाइस यार यहीं पर होगा कहीं पर कैरोस, देख लेते गाइस। वैसे तो उसकी लोकेशन यहीं पर थी तो यहीं पर देखते गाइस, यहीं पर कहीं पर घूमता हुआ बातें कर रहा होगा यार। कहाँ पे है भाई, मिल जा कैरोस, मैं तेरे को नहीं मारूंगा, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। कैरोस किधर हो, कैरोस किधर है तू? अबे कहाँ गया यार, अभी तो यहीं पे लोकेशन थी गाइस उसकी, कोई शायद इस घर के पीछे होगा। एक सेकंड गाइस चेक कर गया था फटाफट से, क्या इस घर के पीछे है वो? एक सेकंड, हाँ भाई धप्पा
नहीं है गाइज, मैंने बिना मतलब के अपनी शॉटगन की एमो वेस्ट करी यार। एक तो वैसे ही एमो इतनी महंगी हो रही है, ऊपर से मैं वेस्ट करो। ओके गाइज आई थिंक सो वहाँ पे है क्या? उधर उधर उधर, एक सेकंड गाइज। ओके गाइज वो मिल गया, वो रहा कैरोस, वो खड़ा गाइज। ओके यहाँ पे पुलिस वाला भी इसने लगा रखा है भाई, किस लिए भाई? चलो गया, कैरोस तो मिल गया गाइज। अभी इसकी टांग में हम लोग बुलेट मारेंगे एंड इसको बेहोश करके ले जाएंगे भाई पुलिस स्टेशन हस्की दादा के पास पहले। तो पीछे से धप्पा कर देंगे गाइज चुपचाप से और हेड शॉट देंगे, नहीं नहीं लेग शॉट देना भाई, इसको बेहोश करना। ओके गाइज ये हो गया बेहोश एंड इसको फटाफट से उठाते हैं एंड लेके चलते हैं भाई हस्की दादा के पास एंड फिर हस्की दादा से सीधा लेके चलेंगे इसको गाड़ी में बिठा के पुलिस। हम लोग यहाँ से जो है आप लोग देख ही पा रहे हो, कह रहे हो उसको ले जा रहे हैं गाइज गाड़ी में पीछे लेटा के, क्योंकि ये हुआ पड़ा अभी बेहोश। ठीक है अभी यार हस्की दादा सामने है, अब ये क्या कर रही है भाई गाड़ी? ओके गाइज तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं एंड हंस के दादा से पूछते हैं भाई क्या करना है। तो हंस के दादा मैं ले आया हूँ, देखो ये पड़ा डिग्गी में, कैरोस डिग्गी में गिर रखा है, मैंने सीट पे इसलिए लिटाया, कोई देख लेगा तो पता चल जाएगी। बहुत अच्छे न्यूट्रल, अब तू जल्दी से जा और अपने आप को निर्दोष साबित कर, पुलिस स्टेशन में जाके उनको प्रूफ दिखा दे कि तू निर्दोष है, जल्दी जा। हाँ यार अब मैं निर्दोष साबित करूंगा गाइज अपने आप को, हंस के दादा ने भी यही कहा है गाइज। तो जल्दी फटाफट से चलते हैं एंड कैरोस को भाई डिग्गी में बंद कर रखा है एंड गाइज यार अभी होगा क्या देखो मैं बताता हूँ, अभी हम लोग इसको भाई पुलिस के सामने दिखा देंगे कि हाँ भाई हम लोगों ने तो भाई कुछ भी नहीं करा था। ले ले बता, गैंगस्टर भी हम लोगों से पंगे ले रहे गाइज, मैंने ठोक दिया इसको भी, आ रहा है पीछा करेगा, आजा कर ले पीछा गाइज, पहले थोड़ा सा आगे जाता हूँ वरना पीछे से आरपीजी मार देगा, कभी मेरा भी चैप्टर क्लोज है। एंड गाइज आप लोग सोचो कि यार मेरे पास ये मतलब हेल्थ कैसे, मतलब हेल्थ थोड़ी सी कम हो गई है और न्यू आर्मर कैसा है? तो गाइज जब मैं इसको कैरोस को गाड़ी में लिटा कर लेके आ रहा था, तुरंत भाई एक बंदा आया और मेरे को गाड़ी से निकाल के फेंक दिया बाहर और हम दोनों की हो गई लड़ाई। ठीक है तो मैंने उसको टपका दिया, उसने मेरे को एक आर्मर दे दिया। ओके गाइज तो हम लोग आ चुके हैं भाई पुलिस स्टेशन, अभी चल के भाई अंदर चल के इससे मनवाते कि हाँ भाई इसकी गलती है, हम लोगों ने कुछ नहीं करा गाइज। ठीक है तो फटाफट से चलते हैं इसके अंदर, नहीं अंदर नहीं बाहर ही बुला लेते भाई, पुलिस हेड को अंदर लेके जाएंगे तो बहुत गड़बड़ सी हो सकती है। तो चलिए गाइस मैं जल्दी जाके इनको अपना निर्दोष अपने आप को साबित कर देता हूँ। हाँ सर जी देखो आपने मुझे तो वैसे तो निकाल दिया था, जॉब से सस्पेंड कर दिया था, बट मैं अब अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता हूँ और तुमको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मैंने अपने आप को निर्दोष साबित करा कैसे। अब तो सुनो इसकी बात सुनो, ओए बोल बे फटाफट बोल। हाँ तो सर जी वो गाड़ी मैंने डिस्ट्रॉय करी थी, इसको इसकी जॉब वापस दे दो, वो गाड़ी मैंने ही डिस्ट्रॉय करी थी, इसके पास प्रूफ भी है। हाँ तो सर जी सुन ली इसकी बात? सुनी तो है लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तूने डिस्ट्रॉय नहीं करी? यार अब भी मुझ पे नाम क्यों लगा रहे हो सर? देखो मैं अगर खुद डिस्ट्रॉय करता तो मैं कभी सस्पेंड होने के बाद वापस भी ना आता। ठीक है अब मेरे को जॉब मिलनी चाहिए। देखो अभी देखो गाइस मैंने बता दिया है, कैरोस ने भी तुमको बता दिया, अब इसने ही मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय करी है। वैल इसका नाम कैरोस है, तुमको नहीं पता सर जी, बाकी सबको पता है। ठीक है ये बहुत ही बड़ा वाला गैंगस्टर है, तो इसने कहा सर हमारी गाड़ी जो है डिस्ट्रॉय करी है। तो पुलिस वाले समझो जी, सर जी समझो थोड़ा, देखो एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, और इसने ही मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय करी है। ठीक है अब तो मेरे पास प्रूफ भी है। चलो ठीक है मैं ठंडे दिमाग से सोच के तुम्हें बताऊंगा, कल तक तुम्हारे घर पे कंफर्मेशन नोटिस लेटर आ जाएगा, देख लेना। तो ओके गाइस यार यहाँ पे हम लोगों ने कैरोस को तो करा दिया जेल, अब कैरोस जेल में सड़ेगा एंड ये रहा अपना आउट्रेंस डोर एग्जिट डोर, जिसमें कि यार हम लोग भी कभी अब आएंगे अंदर। तो गाइस यार हम लोग बाहर तो आ गए हैं और डोर भी बंद कर दिया है, तो चलिए गाइस बैठते हैं फटाफट से गाड़ी में। एंड गाइस यार अभी देखो अपन लोग तो भाई बन गए हैं, देखो अपन लोग तो पुलिस में, अब कल को जैसे ही अपना कन्फर्मेशन नोटिस लेटर आएगा तुरंत हम लोग तो जॉब में हो जाएंगे गाइस। एंड भाई मज़े की बात तो अब कैरोस भी जेल में है, तो अभी हम लोग भाई फ्रीली कुछ भी कैसे भी जॉब कर सकते हैं। एंड सबसे पहले तो यार मैं मुंह से ट्रक, ओ भाई अबे गाड़ी खिड़की तोड़ दी मेरी, रुक बाहर निकल, कौन है भाई तू, कौन है, बाहर निकल बाहर निकल। तो गाइस यार अभी इसको मैं छोड़ने नहीं वाला भाई, बंदे ने मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय करी है ना, रुक अभी तू ये ले। उतरते ही भाई इसको चोक स्लैम दे दिया मैंने, नहीं चोक स्लैम तो नहीं बट जो भी है गाइस। अभी देखो भाई इसने मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय करी, तेरे को पता भाई कितनी महंगी गाड़ी आती है मेरी? हाँ आया बड़ा सस्ता गैंगस्टर, इधर आ तू इधर आ, अब इसको मैं मार के नहीं पा रहा ये ले। ओए नहीं मेरे से पिटेगा तू, तू मुझे नहीं मारेगा, ठीक है हम तुझसे बड़े हैं। ठीक है अबे ये तो भाई बराबर की टक्कर दे रहा है गाइज, ये देख रहे हो गाइज आप लोग गाड़ी की हालत, देखो अभी इधर आने दो इसको जरा थोड़ा, वरना ये गोली बजाएगा। ये तो गाइज गाड़ी की भाई खिड़की तोड़ दी, बताओ कोई बात है? और पीछे से कौन चढ़ा रहा है ये? अब क्या कौन से नशे करके बैठे हो पुलिस वालों तुम? ले बता अब ट्रक वाले ने कर दिया यार काम। तो गाइज यार अभी तो मैं इसका मोस्टर ट्रक ही लेके जाने वाला हूँ, बिकॉज मोस्टर ट्रक सबसे पावरफुल है। शीशा फूट गया, वो ये कौन था भाई इतने तगड़े लाया गाड़ी को? चल कोई नहीं तू सर्वे कर हम निकल लेते। तो गाइस यार यहाँ से हम लोग को फ्री का एक मोस्टर ट्रक मिल गया, और ये देख लो भाई क्या क्या गाड़ी खड़ी कर दी ला के तुम लोगों ने, ये ले शीशा हम तेरा फोड़ देंगे, तू हम तूने हमारा फोड़ा। तो ओके गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही,
अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, आई होप ऐसा तो बढ़िया लगी होगी, और लाइक भी कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज अब इस चैनल पे भाई फ्री फायर के मोंटेजेस वीडियो एंड काफ़ी कुछ वीडियोस आने वाली हैं फ्री फायर से रिलेटेड, एंड काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट गेम्स ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे को एक डिफरेंट गेम का नेम बताना, एक्सेप्ट एच गेम आर्टवर्क्स के गेम्स, बिकॉज गाइस एच गेम आर्टवर्क्स की गेम जो है ऑलमोस्ट सेम सिटी होती है, तो कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा नहीं, तो इसलिए कोई ऐसा गेम बताओ जिसमें फनी भी हो एंड उसमें आप लोग को मज़ा आए, ठीक है। वेल मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला था, नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी गाइस। तो चलिए गाइस बस आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।